अब मैम आज नेशनल यूथ डे है तो किस तरह आपने सेलिब्रेट किया थोड़ा हमारे उसके बारे में बताइए। जे सी आई कोलोरी ने आज नेशनल यूथ डे मनाने के लिए हमने कुछ युवाओं को जो कि समाज में योगदान दे रहे हैं, जो दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनको हमने फेलिसिटेट किया यहाँ पर। और उसके अलावा हमने एक EPS यानी कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेस्ट भी अरेंज किया था, जहाँ पे बच्चों ने रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग द फ्यूचर इस टॉपिक पर भाषण दिया। तो ये जो स्पर्धा थी ये ऑनलाइन हो रही थी और हमारे जो दर्शक थे वो ऑफलाइन इसको देख रहे थे। और उसके अलावा हमने आज जो हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर पंकज सैनी का, ये योग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा टॉक भी दिया और युवाओं को प्रेरित किया योग को अपने दैनंदिन रूटीन में अपनाने के लिए। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना? बच्चों ने हमें इतना अपेक्षित नहीं था कि इतने सारे बच्चे आएंगे, हमको लगा था कि पता नहीं ऑनलाइन रख रहे हैं तो वीडियोज़ के लिए, बट इट वॉज ए ह्यूज रिस्पॉन्स और हमको इतनी खुशी हो रही है बोलने के लिए कि आज के बच्चे, ये सिर्फ एक पर्दा नहीं थी, ये हमारी कोशिश थी कि हम बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करें कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है इनमें इनको किस तरह से योगदान देना है। और ये हमको देख करके बहुत खुशी हुई कि वो उस दिशा में सोच रहे हैं और अपना जो रोल है उसका महत्व समझ रहे हैं। सर JCI के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? JCI इज NGO especially for the youth people. The age limit for the, if you want to be a member of the JCI is from 18 years to 14 years. Even you can be a junior JC, that is from 14 years to 18 years. हमने सुना है कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम का ट्रेनिंग दिया जाता है, इसमें कुछ बच्चे लोगों को सिखाया जाता है, तो क्या है मतलब किस तरह से होता है? We have the different training programs which help the students to take the participate in different fields. These train JCI have the programs like right from the EPS, that effective public speaking, then speech craft, and then we have zone training, that is ZTWS. So युवाओं के लिए ये तीन टाइप में divide किया गया है, तो इसमें उनको डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग भी मिलती है और उनको हेल्प भी मिला जाता है उन चीज़ों में। इस कोविड के सिचुएशन में क्या रोल था मतलब लोगों के लिए? जैसे इट वॉज चैलेंजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब लोग एक ही इसमें रूम में सब लोग रहते थे, बाहर जाना भी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन JCI ने उस सभी नॉर्म्स कोविड के एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स लेकर हर एक इंडिविजुअली घर पे जाके उनको हेल्प किया, उनको डिफरेंट सिचुएशन के बारे में उनको ये भी किया, मतलब उनको डेमो दिया, उनको बताया कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने उनको जैसे के थ्रू हेल्प किया। इवन वी हैव डन ब्लड डोनेशन प्लान, डायबिटीज चेकअप कैंप, एंड वी हैव ऑल्सो डन द जनरल चेकअप कैंप फॉर द राइट फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द एज ओल्ड पीपल। JCI हर जगह फैला हुआ है कि क्या कोई पर्टिकुलर एरिया है सर? नहीं, JCI हर जगह पे फैला हुआ है, इंटरनेशनली इट इज नेम इटसेल्फ सेज है ना, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, सो लगभग 134 कंट्री में है एंड वी आर प्राउड कि इंडिया में भी यानी सब जगह पे है। मैम आने वाले समय में किस तरह का रोल रहेगा JCI का सोसाइटी के लिए? JCI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारी यंगर डायनामिक एनर्जी है, जैसे सर ने बोला कि हमारे यहाँ एज लिमिट शुरू ही होता है 18 साल से 40 साल तक का इसमें है, तो आप सोचिए कितने जवान बच्चे हैं इसमें जिनकी एनर्जी है, थॉट प्रोसेस है। आने वाले समय में जो JCI इज गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर, वी कैन से दैट, आई नो दिस इज अ हाइपरबोल, इट मे साउंड लाइक अ ओवर स्टेटमेंट, but because we are filled with young energy, the country is going to be driven with this young energy. We are trying to train them, hum unko train karne ki koshish kar rahe hain taki ye apne role ko samjhe aur yogdan de samaj mein।